मानी वेस्ट है और मैं हरिद्वार से हूँ। नाजुक सी जवानी से मिलाना चाहती हूँ, मैं आपको हिमानी से मिलाना चाहती हूँ। शुरुआत एक शायरी से करूंगी। कल मेरे एक्स का बर्थडे था तो सिकले लिखी है, कल ही लिखी थी रोते रोते, कि अब देखकर उसको मैं कभी मुस्कुराया नहीं करती, कि अब देखकर उसको मैं कभी मुस्कुराया नहीं करती, मोहब्बत तो आज भी उससे बेइंतहा करती हूँ, बस उसे जताया नहीं करती। वो अगर खुश है इन दूरियों से, वो अगर खुश है इन दूरियों से, तो उसे खुश ही रहने दो, क्योंकि एक तरफा मोहब्बत कभी कोई रिश्ता बनाया नहीं करती। एक पोएट्री है, मेरा मन तो नहीं था, मैं सोच के नहीं आई थी हरिद्वार से परफॉर्म करूंगी, बस सुनने आई थी लोगों को, और लोग सुन नहीं रहे, खाने में बिजी है। क्यों तुझे लेकर ऐ जिंदगी मैं इतनी बेकदर सी हो गई हूँ, क्यों तुझे लेकर ऐ जिंदगी मैं इतनी बेकदर सी हो गई हूँ, ख्वाबों को पूरा करने की दौड़ में मैं खुद ही खो गई हूँ। मन करता था कभी मेरा भी अपनों के साथ वक्त गुजारने का, मन करता था कभी मेरा भी अपनों के साथ वक्त गुजारने का, एक हुनर था मुझमें दर्द और गमों को हंसी के पीछे छुपाने का, पर अब ना हंसती हूँ और मायूस भी रहती हूँ, पर अब ना हंसती हूँ और मायूस भी रहती हूँ, क्योंकि तन्हा सी हो गई हूँ, क्यों तुझे लेकर ऐ जिंदगी मैं इतनी बेपरवाह सी हो गई हूँ। शुक्रिया। सब पूछते हैं मेरी तन्हाइयों की वजह, सब पूछते हैं मेरी तन्हाइयों की वजह, सब पूछते हैं मेरे तन्हाइयों में वक्त गुजारने की जगह, और उनसे कहती हूँ मैं अक्सर कि लत लगी है मुझे मैं खानों की, और वहाँ रखी शराबों की मैं दीवानी हो गई हूँ। दर्द दिए हैं मुझे मेरे अपनों ने ही इतने, दर्द दिए हैं मुझे मेरे अपनों ने ही इतने, कि उन दर्दों को पन्नों पर सजा सजा कर मैं शायरा हिमानी हो गई हूँ, क्यों तुझे लेकर ऐ जिंदगी मैं इतनी अनजानी हो गई हूँ। एक पोएट्री है मेरी। अक्सर जो भी कवि होते हैं, कवित्री होती हैं, जब भी हम लिखने बैठते हैं हमारे दिमाग में बहुत बहुत ही ज़्यादा बातें रहती हैं, हमें खुद कभी कभी समझ नहीं आता कि क्या लिखें, तो उसी के लिए मैंने कुछ लिखा है कि लिखूं तो क्या लिखूं, लिखूं तो क्या लिखूं, किसी माँ के अकेले डर को, बाप बिना एक घर को, या बाप के लिए हर एक कर्ज को, और बिगड़ा बेटा ना चुका सका अपने किसी फर्ज को। लिखूं तो मैं क्या लिखूं, लिखूं तो मैं क्या लिखूं, समाज की विचारधारा को, भड़कती उस ज्वाला को, और तड़पता रहा गरीब का बच्चा, क्योंकि खाना पाया कोई निवाला वो। लिखूं तो मैं क्या लिखूं, लिखूं तो मैं क्या लिखूं, जिस्म फरोशी के व्यापार को, रोज होते बलात्कार को, या कांग्रेस की गिरती सरकार को, और भाजपा के बढ़ते अभिमान को। लिखूं तो मैं क्या लिखूं, लिखूं तो मैं क्या लिखूं, सेना के उन जवानों को, उनके दिए हर बलिदानों को, या इंसान को बर्बाद करती शराब के मैं खानों को। लिखूं तो मैं क्या लिखूं, लिखूं तो मैं क्या लिखूं, दो मजहबों के दंगों को, धर्मों में बढ़ते रंगों को, या तेजाब से जलती लड़कियों के अंगों को। लिखूं तो मैं क्या लिखूं, लिखूं तो मैं क्या लिखूं, एक अधूरी मोहब्बत की कहानी को, इश्क में तबाह होती एक जवानी को, या फिर लिख दूं मैं दर्द से भरी हुई टूटी हिमानी को। आज फादर्स डे है तो यहाँ पे बहुत से फादर्स हैं, तो उन सभी को ये मेरी जो कविता है डेडिकेट करना चाहूंगी। वो आज बेहद खुश नजर आ रहे थे, वो आज बेहद खुश नजर आ रहे थे,
मेरे जन्मदिन की खुशी के कारण कंपनी में लगे अपनी इस चोट के दर्द को छुपा रहे थे। त्योहार में भी पुराने कपड़ों में नजर आ रहे थे। अंदर से बहुत नाजुक और कोमल पर बाहर से खुद को पत्थर दिखा रहे थे। दिलाकर बेटे को महंगी गाड़ी, खुद घर वो पैदल दफ्तर से आ रहे थे। वो पापा थे जो हमारे सपनों के लिए अपनी इच्छाओं को भी कुचले जा रहे थे। शुक्रिया।